Evil Nun। ये गेम तो आप लोगों ने खेली ही होगी और हमेशा इस गेम को खेलते वक्त आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, जैसे Evil Nun कौन है और ये हमसे क्या चाहती है, ये मिस्टीरियस मैन कौन है और एलिजा की डेथ कैसे हुई थी। Evil Nun की स्टोरी आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी, लेकिन रियल स्टोरी Evil Nun की स्कूल में ही छुपी हुई है। तो आज हम लोग Evil Nun की स्कूल में Evil Nun की पास्ट को जानेंगे और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और चलते हैं हम लोग इस वीडियो की तरफ। अब आप लोगों को मालूम होगा कि Evil Nun गेम Evil Nun 2 के पहले आई थी, लेकिन इसकी जो स्टोरी है वो Evil Nun 2 के बाद की है, यानी कि Evil Nun 2 के अंदर हम लोगों को Evil Nun की पास्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलता है। तो हम लोग शुरू करते हैं Evil Nun 2 से। मई 18, 1927, ये वही दिन था जब सिस्टर मैडलिन ने अपनी सबसे प्यारी चीज अपनी बेटी एलिजा को खो दिया था। एलिजा भी बाकी बच्चों की तरह अनाथ थी, लेकिन सिस्टर मैडलिन उससे अपनी बेटी जितना प्यार करती थी और एलिजा भी सिस्टर मैडलिन को अपनी माँ समझती थी। लेकिन मई 18, 1927 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सिस्टर मैडलिन बन गई Evil Nun। आप लोगों को मालूम होगा कि Evil Nun 2 के अंदर जो टॉयलेट है, उस टॉयलेट के अंदर हमको कुछ नोट्स मिलते हैं जिसमें कि मई 18, 1927 के उस हादसे के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे एंड्रियो की होई नाम के बंदे ने स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट किया था जिस कारण से एलिजा की डेथ हो गई थी। यस, एलिजा की डेथ एक बॉम्ब ब्लास्ट के चलते हुई थी जो कि एंड्रियो की होई नाम के बंदे ने किया था और जिसके बाद सिस्टर मैडलिन अकेली पड़ गई और वो एलिजा को भुला नहीं पाती है। सिस्टर मैडलिन पहले बहुत ही अच्छी नन थी, वो भी अदर्स नन की तरह बच्चों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वो एलिजा को करती थी और एलिजा के जाने के बाद वो उसके गम में बिल्कुल पागल होने लगती है। लेकिन एक दिन उसको एक बुक मिलती है जिसमें डेविल की पावर्स के बारे में लिखा होता है और सिस्टर मैडलिन उस बुक के जरिए अपनी बेटी यानी एलिजा को वापस लाने का प्लान बनाती है। वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स पहले तो चिकन्स के साथ करती है जिसमें पहले एक्सपेरिमेंट का नतीजा रूस्टल होता है, लेकिन ये फेल्ड हो जाता है क्योंकि रूस्टल ब्लाइंड था और उसकी नेक भी टूटी हुई थी। सेकंड एक्सपेरिमेंट का नतीजा मिस्टर सी था जो कि आधा इंसान और आधा चिकन था, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत ठीक था लेकिन पूरी तरीके से ये भी ठीक नहीं था। एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट का नतीजा गमी निकलता है। गमी बाकी अदर्स चिकन से ज्यादा समझदार था और वो Evil Nun को अच्छी तरीके से समझ भी सकता था और अब Evil Nun को एक बॉडी चाहिए थी, एक बच्चे की बॉडी जिसमें कि वो एलिजा की सोल को डालकर एलिजा को वापस ला सके। वो इसके लिए काफी बच्चों को स्कूल में कैद करके रखती है और एक एक करके उनपे एक्सपेरिमेंट्स करती है, उनके साथ कुछ रिचुअल्स करती है, बट कोई भी बच्चा एलिजा की सोल के लिए फिट नहीं बैठता तो उसके एक्सपेरिमेंट एक एक करके फेल होते चले जाते हैं और जब कोई बच्चा Evil Nun के काम का नहीं होता वो उसको जिंदा दफना देती है। लेकिन एक दिन एक लड़का मिरेकल रेसिपी से नन के चिकन्स को पहले जैसा कर देता है और ये लड़का और कोई नहीं मिस्टीरियस मैन ही होता है। और ये आप लोग इस बात से भी समझ सकते हो कि मिस्टीरियस मैन के हैंड्स पर ब्लू इंक गिरी हुई है जो कि हम लोगों को Evil Nun 2 की ट्रू एंडिंग में भी दिखाया जाता है। लेकिन ये लड़का इस स्कूल से कभी भाग नहीं पाता और हमेशा इस स्कूल के अंदर छुप के रहा करता था, लेकिन एंड में एक लड़की की हेल्प से ये बैलून स्केप के जरिए सभी बच्चों को वहां से बचा लेता है। लेकिन जब इसने उस मिरेकल रेसिपी को किया था तब डेविल आया था और Evil Nun की पूजा पाठ से वो खुश होकर उसको एक वरदान देता है और वो वरदान में एक बेबी देता है उसको और ये बेबी और कोई नहीं हमारा रोड है। यस, हमारा रोड सुलिवैन। लेकिन वो इस बेबी के बदले Evil Nun की लाइफ के 40 इयर्स मांग लेता है और कुछ रूल्स भी देता है जिसको कि Evil Nun को फॉलो करने थे और अगर ये इन रूल्स को फॉलो नहीं करती है तो इसकी शक्ल काफी ज्यादा अगली हो जाती है। और वो रूल्स ये थे कि वो हमेशा एक अच्छी माँ बन के रहेगी, सेकंड वो कभी स्कूल से बाहर नहीं जा सकती है, अगर वो स्कूल से बाहर जाने की कोशिश करेगी तो उसका बेबी मर जाएगा। वो इन सभी रूल्स को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद जन्म होता है रोड का। लेकिन रोड के जन्म के बाद भी Evil Nun बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि उसको लगा था कि वो एक लड़की को जन्म देने वाली है लेकिन उससे एक लड़का पैदा हुआ, इसीलिए वो रोड को एक आइसक्रीम मैन को दे देती है जो कि था जोसेफ सुलिवैन और वो रोड को अपने साथ ले जाता है और Evil Nun वापस से अपने एक्सपेरिमेंट्स एंड रिचुअल्स करने लगती है, काफी बच्चों को किडनैप करके स्कूल में लेके आती है। अब आप लोग कहोगे कि Evil Nun तो कभी स्कूल से बाहर नहीं जाती थी तो बच्चों को कैसे किडनैप करके लेके आती है, तो यस, उसकी हेल्प करने के लिए वो एक नन को पोजेस करके रखती है जो कि बच्चों को बाहर से किडनैप करके स्कूल में लेके आती थी। तो गेम के अंदर हम लोगों को ये स्टोरी मालूम पड़ती है, लेकिन Evil Nun की स्टोरी इससे भी पहले की है, लेकिन पता नहीं वो सब रियल है या फिर नहीं, लेकिन ये स्टोरी एकदम रियल है जो कि हम लोगों को गेम के अंदर से मालूम पड़ती है। तो अगर आप लोगों को यार ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।